हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक मिड कैप कंपनी के बारे में जिसका कि बिजनेस बहुत अच्छा है। इसकी वेबसाइट को देखेंगे और वहां पर देखेंगे कि ये कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है और इसके प्रोडक्ट फ्यूचर में डिमांडिंग होने वाले हैं। किस तरीके से आपको ये कंपनी भी ग्रोथ कर सकती है और आपको बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकती है, पूरा डिटेल से इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, बिकॉज आप लाइक जितने ज्यादा करेंगे उससे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से अच्छे स्टॉक जो है मैं आपके लिए लाता रहूंगा। सबसे पहले स्टॉक के बारे में डिस्कस करने से पहले हम डीमार्ट के बारे में जानेंगे और उसके बाद चलेंगे हमारे आज के स्टॉक पर। तो डीमार्ट का स्टॉक देखिए, डीमार्ट में अगर आपको पोजीशन बनानी है तो परफेक्ट टाइम है। अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, वीकली चार्ट लगा रखा है, लेकिन आज का अगर डे आपको पता है तो मंडे है, ये वीक अभी कैंडल पूरा क्लोज होना बाकी है। लेकिन वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं, पिछले वीक जो क्लोजिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग डीमार्ट का सबसे अच्छा लेवल है इस वीक के लिए 1965 का। इस लेवल के आसपास में इस वीक में आपको कहीं पर भी मिलता है ये स्टॉक तो जरूर पोजीशन आप लोग बना सकते हैं। और जब मैंने वीकली चार्ट पर इसके ऊपर फिबोनाची ड्रॉ किया है तो 1980 और 1843 यानी कि 1980 को 2000 मान लीजिए, 2850, तो मतलब एक तरीके से मान सकते हैं 1850 से 2000 रुपए के बीच में अच्छा बाइंग रेंज है डीमार्ट का। तो आप लोग अगर विजन है 2 साल का भी या फिर 3 साल का भी या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी करना चाहते हैं तो डीमार्ट अभी परफेक्ट रेंज पर आ चुका है। लेकिन विजन लॉन्ग टर्म का रखिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि डीमार्ट का जो स्टॉक है वो अपने 200 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। और जनरली स्टॉक मार्केट में आपने सुना होगा 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे दे एक बार स्टॉक और उसके बाद ही आप देखें नीचे ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि बियरिश ट्रेंड में ये स्टॉक आ चुका है। तो अब जो ऊपर जाएगा ये स्टॉक तब ये जो 2100 का रेजिस्टेंस है जो जरूर फेस करेगा। तो इसलिए आपको अब जो स्टॉक में अगर आप आज का भी देखेंगे तो आज अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ करेक्शन हुआ है वापस से, तो आप देख सकते हैं। तो आपको लॉन्ग टर्म का विजन इसमें रखना है एटलीस्ट 1 साल से ऊपर का, तो अच्छा खासा आप रिटर्न इस स्टॉक से गेन कर सकते हैं और SIP करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे आज के स्टॉक पर। आज का जो स्टॉक होने वाला है वो है रिलैक्सो फुटवियर का, और नाम से ही आपको पता है फुटवियर सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। मेंस के लिए, वुमेन्स के लिए, किड्स के लिए, सभी के लिए फुटवियर बनाती है। मेंस में जो मेनली ब्रांड चलते हैं इसके बामास का, स्पार्क्स का और फ्लाइट का, वुमेन्स में भी इसी के ब्रांड्स का चलते हैं बामास, स्पार्क्स और फ्लाइट, और किड्स में एक आपका स्कूलमेट और ऐड हो जाता है। आप देख लीजिए बामास, उसके बाद देख लीजिए स्पार्क्स है, फ्लाइट है, तो बहुत अच्छे ब्रांड्स के फुटवियर ये कंपनी बनाती है, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है। और अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसके कारण इसके रिजल्ट में जरूर डाउनफॉल आएगा, लेकिन ये कंपनी जिस प्राइस पर अभी आपको अवेलेबल हो रही है वैसा प्राइस आपको बाद में नहीं मिलने वाला, क्योंकि जैसे ही इस कंपनी का सेल्स वापस से बढ़ेगा ये कंपनी का प्राइस आप देखिएगा बहुत तेजी से भागेगा। तो आप लोग उस टाइम पर एंट्री करें, इससे अच्छा तो क्वालिटी बिजनेस है, आपको पता है कि कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ कर सकती है, तो उसी क्वालिटी कंपनी को अभी से बाय कर लिया जाए तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा लॉन्ग टर्म में। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स किस तरीके के रहे हैं वो भी देख लेते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर बात करेंगे हम, तो आप देखिए अभी तक मार्च का ही हमारे पास डाटा अवेलेबल है, जून का डाटा आना बाकी है। तो जून में किस तरीके का डाटा आता है उस पर भी डिपेंड करेगा स्टॉक का प्राइस। तो सेल्स देखेंगे 600 करोड़ से 541 करोड़ है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे 102 करोड़ से 96 करोड़ का है, तो यहाँ पर डाउनफॉल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं, नेट प्रॉफिट में भी ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं, क्वार्टरली ट्रेंड इसका फ्लैट है, इसलिए स्टॉक में ज्यादा बड़ा मूव नहीं आ रहा है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं इसके ईयर वाइज रिजल्ट में, तो ईयर वाइज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है इस कंपनी में। 2008 से अगर डाटा देखेंगे 11 करोड़, फिर 14 करोड़, 38 करोड़, 27, 40, 45, 66, 103, 120, 120, 161, 175 और 200 करोड़ के आसपास प्रॉफिट। अर्निंग पर शेयर भी लगातार बढ़ रहा है, डिविडेंड भी ठीक ठाक कंपनी बनाकर दे रही है, तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसके फंडामेंटल पैरामीटर भी देख लीजिए आप, तो फंडामेंटल पैरामीटर की बात करेंगे तो कंपनी का देखिए आप, मार्केट कैप की बात करेंगे तो 15,000 करोड़ की कंपनी है,
करंट प्राइस 619 का चल रहा है, लेकिन आज भी अच्छा खासा करेक्ट हुआ है ये स्टॉक। 52 वीक हाई की बात करेंगे, आप देखिए 830 का, जहां पर बहुत सारे लोग ट्रैप हुए, 830 से गिरकर आज की जो प्राइस है 609 के आसपास ये स्टॉक क्लोज हुआ है। तो देखिए आप कितना बड़ा करेक्शन इस स्टॉक में आ चुका है, और 52 वीक लो की देखिए आप 399.50 का है। तो बहुत अच्छा ग्रो किया है ये स्टॉक। डिविडेंड यील्ड की बात करें, मिड कैप की कंपनी ग्रो ज्यादा करती है, डिविडेंड थोड़ा कम देती है। सेल्स ग्रोथ की बात करें, ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, 11% का है। फेस वैल्यू 1 की कंपनी और 10 साल में तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीबैगर रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिया है। प्रमोटर होल्डिंग 70.98% है। डेट देखिए 166 करोड़ के आसपास है, रिजर्व से 1248 करोड़, कोई दिक्कत नहीं। करंट रेशियो 1 से ऊपर का है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम का है, एक भी शेयर गिर भी नहीं। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स, पैरामीटर फंडामेंटल इसके अच्छे लग रहे हैं। बिजनेस मैंने आपको बता दिया, प्रोडक्ट ऐसे बनाती है जो खराब नहीं होने वाले, एक बार स्टोरेज में पड़े भी रहेंगे, जैसे ही वापस से सेल्स होना स्टार्ट होगा तो वापस से रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। किस तरीके से परफॉर्म किया वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए मैक्सिमम रिटर्न, इसका मैक्सिमम रिटर्न अगर देखोगे आप, इसका 4269% का रिटर्न बनाकर दिया है, और ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है जून 2011 से। 5 साल की भी बात करोगे तो पैसा डबल किया है, और 1 साल में आप देखिए फिर भी 52% का रिटर्न है। 1 मंथ में अगर देखेंगे नेगेटिव में, 1 वीक में नेगेटिव में, और आज भी अगर स्टॉक का अगर आप देखेंगे तो 1.54% डाउन है। अब हम बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर डिटेल में देखना चाहें तो आप देख लीजिए, प्रमोटर की होल्डिंग आपने देख ली, उसमें से म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 6.64% की है, फिर DIs की भी है 6.66 की है, FIs की है 3.27 और अदर पार्टीज की है 19.09%। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर देखते हैं लेटेस्ट किस तरीके से, तो जून क्वार्टर में देखें तो कोई चेंजेस नहीं है। तो प्रमोटर की होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन प्राइस में अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा स्टॉक करेक्ट हो चुका है। अब स्टॉक का डिलीवरी आप देखिए, प्राइस अच्छे रेंज में मिल रहा है, अब देखिए डिलीवरी भी बढ़ चुकी है, 60.28% की आज डिलीवरी हुई है। यानी कि स्मार्ट लोगों ने, जो लोग पैसा बड़ा बनाना चाहते हैं, उन लोगों ने बाय करना इस कंपनी को स्टार्ट कर दिया है। लेकिन हमारे जैसे लोग क्या सोचेंगे, स्टॉक 610 पर आया है तो 550 पर आ जाएगा तब बाय करेंगे। ये आप एक तरीके की बहुत बड़ी गलती करते हैं, आप एग्जैक्ट बॉटम पकड़ने का ट्राई करते हैं, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक रेंज डिसाइड कर सकते हैं, और उस रेंज के बीच में SIP करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपको सही प्राइस पर स्टॉक मिलेगा, आपकी एवरेजिंग प्राइस अच्छी होगी। तो वो कौन सा प्राइस है, तो रिलैक्सो को भी मैंने वीकली चार्ट पर लगा कर रखा है, और वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे इस वीक के लिए, पूरे वीक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो लग रहा है, वो लेवल है लगभग 599.6 का। तो 600 रुपए का लेवल मानकर चल सकते हैं। और इस स्टॉक का सबसे अच्छा बाइंग रेंज जो है वो भी आप देख लीजिए, ये वाला है, यहां पर आ रहा है 613 और यहां पर आ रहा है 562, तो मैं इसको 550 कंसीडर कर रहा हूं। तो यानी कि इसको भी अगर 620 ले लेते हैं, तो ये जो रेंज है 550 से 620 की, ये है आपकी रिलैक्सो की बेस्ट बाइंग रेंज। इसके बीच में अगर आप प्रेजेंट वैल्यू पर भी एंट्री करना चाहे तो कर सकते हैं, बढ़िया प्राइस पर ये स्टॉक मिल रहा है, फिर स्टॉक भागना शुरू कर देगा तब आप बाय करना स्टार्ट करेंगे। इससे अच्छा अभी से बाय कर लीजिए, और नीचे गिरता है तो पार्ट पार्ट में आप बाय करते रहिए, बहुत शानदार ये स्टॉक रिटर्न बनाकर आपको लॉन्ग टर्म में दे सकता है। फिर भी पैसा आपका है, प्रॉफिट होगा तो भी आपको होने वाला है, लॉस होगा तो भी आपको होने वाला है। तो खुद भी वेबसाइट पर जाइएगा, अच्छे तरीके से बिजनेस को देखिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा, उसके बाद ही डिसीजन लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग ये कंपनी यहाँ से आपको 400 से 500% का रिटर्न बनाकर दे सकती है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को बाय करते हो कंटिन्यूसली। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।